वेलकम टू साइबर वैली माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। अगर आपके पास फिनो सीएसपी है, फिनो मित्रा आप यूज करते हैं, तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, या आप लेमिनेशन करके यूज कीजिए, या आप उसको पीबीसी बना के यूज कीजिए, बट आपके पास, आप बैंकिंग काम कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। वो आपको ब्रांडिंग, आपका शॉप का ब्रांडिंग करने में मदद करते हैं। तो भाई, अगर आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आप आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। फिनो का जो आईडी कार्ड है, मर्चेंट का जो आईडी कार्ड है, वो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। फिनो का आईडी कार्ड आप कैसे बना सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। देखिए भाई साहब, अगर आपके पास फिनो सीएसपी है, फिनो मित्रा आप यूज करते हैं, तो आपके पास ये आईडी कार्ड होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम जो ये फाइल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वही से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसमें क्लिक करेंगे तो ये एडोबी फोटोशॉप में ओपन होगा। कहाँ पर ओपन होगा? एडोबी फोटोशॉप में। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टूल्स बार है, तो टूल्स बार है, तो इससे आपको टी को सिलेक्ट करना है। ये जो टी है, तो टी में सिलेक्ट कीजिए। टी में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए साइबर वैली है, इसमें क्लिक कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए, और आपका जो नाम है यहाँ पर टाइप कीजिए। चलिए हमारा नाम टाइप करते। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में राइट बटन है, इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए मर्चेंट आईडी, आपका जो मर्चेंट आईडी है वो यहाँ पर टाइप कीजिए, इसको डिलीट बटन से डिलीट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, डिलीट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मर्चेंट आईडी है यहाँ पर टाइप कीजिए। उसके बाद ऊपर में देखिए राइट है, इसमें क्लिक कीजिए। आपका स्टेट जो है यहाँ पर टाइप कीजिए, यहाँ पर देखिए हम यहाँ से डिलीट कर दिया। उसके बाद आपका जो स्टेट है यहाँ पर टाइप कीजिए, चलिए हमारा असम है तो असम टाइप कर दिया। ऊपर में देखिए एक राइट बटन है, उसमें क्लिक कीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आप कौन सा तारीख में फिनो में मर्चेंट के लिए अप्लाई किया था, ज्वाइन आपने ज्वाइन किया था, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको डिलीट कीजिए। डिलीट करने के बाद आप जिस दिन फिनो में ज्वाइन हुआ था उसी डेट यहाँ पर टाइप कर दीजिए। चलिए हम टाइप करते हैं। उसके बाद ऊपर में राइट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फोटो लगाना है। आपके पास जो फोटो है आपका कंप्यूटर में, उसको ओपन कर लीजिए। इसी तरह से ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए एक मूव टूल है, इसमें क्लिक कीजिए और इस फोटो को यहाँ पर मूव कर दीजिए। मूव करने के बाद यहाँ पर कंट्रोल टी कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फोटो को छोटो करना है, स्मॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर इस फोटो को लगा देना है, देखिए इसी तरह से। उसके बाद ऊपर में राइट में क्लिक कीजिए, इस फोटो में एक बॉर्डर दीजिए। इसके लिए आपको एडिट में क्लिक करना है और स्टॉक में क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लैक कलर देना है, यहाँ पर हम ब्लैक में क्लिक, ओके में क्लिक किया, फिर ओके किया, यहाँ पर देखिए बॉर्डर आ गया। तो हमारा जो आईडी कार्ड है ये कंप्लीट हो गया। इसको आप फाइल में क्लिक कीजिए, प्रिंट विथ प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, और आप 4x6 पेपर में, फोटो पेपर में इसको प्रिंट करके, लेमिनेशन करके आप यूज कर सकते हैं, या आप हमसे आईडी कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई वीडियो में हम आईडी कार्ड का डेमो आपके साथ शेयर करेंगे, कैसे ऑर्डर करना है सारे चीज आपके साथ बात करेंगे। आज इस वीडियो से ओनली आईडी कार्ड कैसे बनाना है ये आप लेमिनेशन करके भी यूज कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।